बटाला के गुरदासपुर रोड इलाके च बीती रात चोरों ने जिथे गुरद्वारा साहब चोरी की वारदात की है उत्थे ही उस इलाके करियाने की दुकान अते एक सैलून चोरों ने वारदात को अंजाम दिता। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे च भी कैद हो गई है। दूसरे पासे गुरद्वारा साहब के प्रबंधकों ने दस्सिया कि चोरों ने गुरद्वारा साहब च दाखिल होकर गोलक लैके फरार हो गए और मुड़ गोलक चो पैसे कढ़ के गुरद्वारा साहब के बाहर खाली गोलक छड़ गए, जबकि यह पूरी वारदात उत्थे लगे सीसीटीवी कैमरे च कैद हुई है। इसी तरह कुछ दूरी पर एक करियाने की दुकान और उन्होंने चोरों वालों चोरी वारदात को अंजाम दिता गया तो नाल ही सैलून की दुकान पर भी चोरी की। सैलून मालिक का कहना है कि गले च रखे करीब 20,000 नकदी टैटू बनाने वाली मशीन और सीसीटीवी कैमरा की DVR भी चोरी करके चोर फरार हो गई। इको इलाके इको रात हुई चोरी दारदातों संबंधी दुकानदार के गुरद्वारा प्रबंधकों वालों पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। बाकी तुम भी देखो हरपाल सिंह दियोल की रिपोर्ट। जॉनसन है जी, की मामला है? अपना JN सलोन है जी, उस मानपुर सिटी कलोनी दे विच जिथे कि रात को 4 बजे सुबह के करीब इतने चोरी हुई है जी। लागे नेड़े तेड़े होर भी वारदातें हुई, उन्होंने भी चोरी हुई है। तो साढ़े जबरदस्ती सलोन का ताला जो खोलिया गया है, खोल के अंदर जो सा गले खोल के वो कैश से 15,000-20,000 रुपया वो लैके गए हैं। तो कुछ साडा DVR वाईफाई है वो ला के लै गए हैं। कोई टैटू दी मशीन से 30,000-35,000 दियाँ वो लैके गए हैं। हाँ जी, सिविल लाइन के अपने बटाले दे जिहड़ी चौंकी उत्थे आपां कंप्लेंट लिखाई है, उन्होंने कहा कि साडी जिहड़ी आ सिंबल चौंकी दे विच तुहाडी कंप्लेंट डाक राहीं जाएगी ते उह तुहाडी कारवाई करन आणगे। अग्गे प्रशासन तो मंग है कि सानूं जल्द तो जल्द जिहड़ा इस चीज़ का इंसाफ होवे, साडी जिहड़ी नुकसान होया उहदी भरपाई की जाए। अवतार सिंह जी, की गल होई है जी, की मामला है? 4:30 बजे फिर आण के जो गुरद्वारे साहब आए हैं, आंदा वेखा दरवाज़ा खुला, बत्तियां बाहर दियां बंद कीतियां, उन्होंने अंदर गए तो गोलक गैप हुई, गोलक नहीं मुड़ के बत्तियां जगाइया, वेख्या चंगी तरह बाकी समान ठीक, गोलक जी चुके लग गए, जाके छप्पड़ लग गए उन्होंने सुट दी। 3,000 रुपया बच्चा गाय कर लिया उन्होंने, क्योंकि उतो ही खाली गोलक लैन दी मुड़ के चुके। हाँ जी, नाथ पैणी जी अमलियां जो काम गलत करते हैं गुरुद्वारे बख्शते हैं, इन्होंने फड़ना चाहिए जिन्हें भी हो सके।